राम जी, इक्की में हींग का तड़का देना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हमारी चटोरी जबान है, लेकिन ये वीडियो का तड़का देखकर स्वाद आ गया। मतलब ये तमाशा देख के? तमाशा तुम्हारे लिए होगा, हमारे तो बेटा बहू हैं। ये लो। ओह गॉड, कहीं बच्चों को बराबर देख के ये दोनों फिर से झगड़ा ना कर लें। यार इससे पहले कि दोनों जन अपनी अपनी तलवारें निकालें, इनको संभालना पड़ेगा। चल चल चल। ओके ओके, तो आप सबने बहुत सारे मेले देखे होंगे, बट फूड मेला शायद कभी नहीं देखा हो। एंड क्लियरली इट्स अ हिट। एब्सोल्युटली। और अगर आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो फूड काउंटर आपका इंतजार कर रहा है। यस प्लीज। और आज सब कुछ हमारी तरफ से। सॉरी मतलब हां, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, सबके लिए सेलिब्रेशन है, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। सर, ये निकजे को तो मीडिया का फुल सपोर्ट मिल गया है। यू नो व्हाट सर, निकजे का साथ देने के लिए उसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी हो गई है। नाउ दैट्स अ ट्विस्ट। हाँ हाँ, मेरी बात हुई है। या निक, I need a minute, please. Sure. Actually, it's about that announcement that you made. वो कि तुम ये कैफे बादल को, you know, दे रहे हो, kind of, yeah. Like I understand, you know, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, and you're getting emotional and all. But this is a professional decision, and I think you should have discussed it with me first, right? Nandi. मैं अपने सारे बिजनेस मैटर्स तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, right? Exactly. लेकिन ये मेरी फैमिली, मुझे पता है अपनी फैमिली के साथ मुझे क्या करना है। I don't know, but I think you're becoming an emotional fool. Nandi, please. I'm really caught up. Can we do this later? Yeah? तो तुमने डिसाइड कर लिया, पापा न्यूयॉर्क नहीं, मम्मी और मेरठ, am I right? You're right. Because dad और न्यूयॉर्क लाइफ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं, तो मेरे लिए डिसीजन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैं तो पापा को ही ज्वाइन करूँगा, that's final. भैया प्लीज चार चाय देना, कड़क। न्यूयॉर्क तो जाना है यार, तो हर्ष भाई का भी सपोर्ट है। मुझे नहीं जीनी है सड़ी हुई लाइफ मेरठ में। सड़ी हुई? हमारा घर, माँ, हम सब बेकार हो गए तुम दोनों के लिए। बादल ये ज्यादा इमोशनल मत हो, ठीक है? ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना। देख, सक्सेसफुल लोग वही होते जो ज्यादा प्रैक्टिकल होते, पीरियड। तुम लोग अंडर एज हो, इसलिए मम्मी पापा को लड़ाई करनी पड़ रही है तुम्हारी कस्टडी के लिए। लेकिन हम इतने भी छोटे नहीं है ना कि हम ये डिसाइड ना कर पाए हमें किसके साथ रहना। इतना मन है तुम्हारा डैड के साथ रहने का? बिल्कुल उतना ही जितना तुम्हें माँ के साथ रहने का मन। एक्चुअली कौन किसके साथ रहेगा, ये सब सॉल्व हो जाएगा अगर माँ और पापा के बीच की रियल प्रॉब्लम का पता चल जाए। मतलब उन्होंने क्यों लिया था डिवोर्स, कुछ तो हुआ होगा ना जो उन्होंने डिवोर्स लिया, वही तो रीजन होगा ना। एग्जैक्टली गाइस, हो सकता है जो रीजन था वो अब एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है जिस रीजन की वजह से उनके बीच में गैप आया हो वो हम दूर कर पाए। किस लिए यार, अभी तक तो दोनों अलग अलग ही रह रहे थे ना। मुझे नहीं लगता ये सब करने का कुछ भी फायदा है। तुम दोनों ना जबरदस्ती उनका पैचअप करवाने की कोशिश मत करना। बादल सुन, हम दोनों को लेकर केस चल रहा है, यही सही मौका है। दोनों ना फुल ट्राई करेंगे कि हम उनके उनके साइड में आ जाएं। इसलिए अब हम उनसे जो भी मांगेंगे ना वो लोग हमें सब कुछ दे देंगे। सब मिल जाएगा? हाँ सब कुछ, एक एक लिस्ट बना के दे देते हैं उनको।
जैसे मुझे तो पता है कि मुझे एक बाइक चाहिए और मुझे ना ताजमहल। शर्म नहीं आती है तुझे माँ बाप की प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हुए? हाँ जान, नहीं आती है मुझे शर्म। एक मिनट, तुझसे ना बेटर हर्ष भाई है, तुझसे मुझे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हर्ष भाई मेरे सपनों को सपोर्ट तो कर रहे हैं। गाइस प्लीज, क्या हम बाकी बात घर जाके कर सकते हैं? प्लीज गाइस, बहुत तमाशा हो गया ऑलरेडी। आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। गगन प्लीज, परखा चलो। मंडे से केस की पहली हियरिंग है, तुमसे जो बनता है तुम कर लो पल्लवी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन तुम्हें ये लीगल बैटल जीतने नहीं दूंगा पल्लवी। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे और हमेशा मेरे पास रहेंगे। भेड़क, मेरा सामान, ये मेरे घर का सामान, ये मेरे घर का सामान है, आप इसे हाथ क्यों लगा रहे? अरे छोड़िए, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? सुनो, ये मेरा, ये क्या कर रहे हो? मैडम हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे पर आप क्यों ले? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये हमारा सामान है, कहाँ लेके जा रहे हो आप? आप सुनिए तो भाई साहब, ये रखिए, यहाँ पे रखिए। अरे ये रखिए, ये हमारा सामान है, आप कहाँ लेके जा रहे हो आप? दे दीजिए। तुम, ये सब क्या हो रहा है? हाँ अरे ये सब, वेट यू इडियट, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हो? ये क्या, अरे कुछ ना लेके जा, ये हमारा सामान है, ये कुछ रखो ना, हमारी, अरे रुको, आप क्या कर, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.